नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छह ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में, छह ऐसे वार्निंग जो इंडिकेशंस हैं जिनके बारे में, जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपका लीवर खराब है या आपके लीवर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। ये अर्ली साइंस होते हैं, एक ये पहले से आने वाले जो साइंस होते हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको जल्दी से डायग्नोस हो सकता है कि आपको लीवर में किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए लायबल है, यानी कि पाचन तंत्र को मेंटेन रखने में लीवर बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा भी लीवर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, बॉडी में प्रोटीन्स को बैलेंस करके रखना, प्रोटीन का सिंथेसिस भी लीवर ही करता है। इस प्रकार की काफ़ी सारी जो वाइटल एक्टिविटीज़ है वो लीवर परफॉर्म करता है, पाचन को बहुत ही बढ़िया बनाता है। कई सारे फैट्स, कई सारे प्रोटीन, कई सारी जो डाइट्स हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में लेते हैं, उनको पचाने में, उनको मेटाबोलाइज करने में पूरी तरह से लीवर हेल्प करता है। लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो छह साइंस, या एक तरह से मैं कहूँ कि अगर मैं इन छह लक्षणों के बारे में बात करूँ जो कि अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, और इन लक्षणों के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपको लीवर से संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग है या लीवर में आपके किसी प्रकार की कोई खराबी है, तो सबसे पहला जो साइन देखने को मिलता है वो होता है लेग्स में, यानी आपके पाँव में किसी प्रकार के छोटे छोटे स्पॉट्स बनना, जो कि मैं पिक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार के साइन बनना, इस प्रकार के छोटे छोटे स्पॉट्स बनना, ऐसा इसलिए होता है कि आपके पाँव में ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, उस वजह से इस प्रकार के साइंस देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। और ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है उनमें भी इस प्रकार के स्पॉट्स देखा जाना बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम समस्या है, लेकिन लीवर की कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए यह पहला साइन आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर इस प्रकार का साइन आपको देखने को मिले या इस प्रकार का लक्षण देखने को मिले तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, आपको जाके अपना लीवर टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है या दूसरा जो लक्षण देखने को मिलता है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स काफ़ी सारे मरीजों में बहुत ही आम है, और ऐसा इसलिए होता है कि पोर्टल कंजेशन बढ़ जाता है, आपका जो लीवर को आने वाली जो वेन्स है उसमें दबाव बढ़ जाता है, कंजेशन बढ़ जाता है, और आपके जो पाँव की नसें हैं उनके अंदर में जो थोड़ी थोड़ी दूरी में वाल्व पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, वो वाल्व ढीले पड़ जाते हैं, उस वजह से इस प्रकार की वेरिकोज वेन की समस्या देखने को मिलती है। और अगर इस प्रकार की नीली और डार्क कलर की आपको वेन्स देखने को मिल रही है तो आपको लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, तो आपको जल्द से जल्द आपके डॉक्टर को या आपके नज़दीकी चिकित्सक से एक बार परामर्श लेना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो है आपकी एड़ियों का फटना। अगर आपकी एड़ियां बार बार फट रही है, प्रॉपरली हील नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन B3 और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कमी हो, और इन दोनों चीज़ों की कमी, इन दोनों की कमी आपको बाइल के कम सिक्रीशन की वजह से होती है, और बाइल का सिक्रीशन कम तभी होता है जब आपका लीवर अफेक्ट हो रखा हो, आपकी लीवर में किसी प्रकार की समस्या हो, तो इस प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड और B3 का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होने लगता है या ना के बराबर होने लगता है, उस वजह से आपकी एड़ियाँ फटने लगती है। अगला जो लक्षण है वो है पाँव से दुर्गंध आना, पाँव में जलन होना, आपके तलवों में जलन होना, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती। पाँव से दुर्गंध आना, जलन होना और इस प्रकार के लक्षण तभी देखने को मिलते हैं जब आपका लीवर अफेक्ट हो रखा हो। ऐसा इसलिए होता है कि रूटीन में हमारा लीवर बॉडी से हर प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, लेकिन जब लीवर प्रभावित होता है तो लीवर के प्रभावित होने की वजह से आपकी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो डिटॉक्स होना चाहिए बॉडी को, वो नहीं हो पाता है, और उस वजह से आपकी स्किन से वो चीज़ें एक्सक्रीट होने लगती है, और चूंकि ग्रेविटेशन फोर्स रहता है तो उस फोर्स की वजह से आपके पाँव से ये दुर्गंध ज़्यादा आती है, पाँव से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलने लगता है। ऐसा
होने की वजह से आपके पाँव में, तलवों में जलन होना, दुर्गंध आना, इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। अगला जो लक्षण है वो है पिटिंग टाइप का एडेमा, यानी कि आपके पाँव में सूजन महसूस होना, और विशेषकर इस प्रकार की सूजन जो पिटिंग टाइप की हो, यानी आप जब भी उस सूजन को उंगली से दबाएंगे तो वो रिवर्स होने में, एक नॉर्मल वापस स्किन का शेप आने में, वहाँ पर गड्ढा पड़ जाएगा और नॉर्मल शेप में आने में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ मिनट्स का। अगर इस प्रकार का विशेष सूजन है, इस प्रकार का पिटिंग एडेमा है, तो हो सकता है आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। छठा जो साइन है, सिक्स्थ जो साइन है, वो होता है नाखून का खराब होना, नाखून आपके ब्रिटल होना। इस प्रकार की समस्या भी लीवर प्रॉब्लम की वजह से कई बार देखी गई है, तो इस कंडीशन में भी आपको लीवर को टेस्ट करवाना चाहिए या नजदीकी चिकित्सक से एक बार संपर्क करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, लीवर को प्रॉब्लम आती क्यों है, तो डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपके लीवर में प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सबसे पहला कारण है अल्कोहल इंटेक, यानी अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रूटीन में आप पीते रहते हैं, तो इस प्रकार की हैबिट को फॉलो करने से आपको लीवर में डैमेज देखने को मिल सकता है, लीवर खराब हो सकता है, फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, हो सकता है आगे जाके आपको सिरोसिस ऑफ लीवर यानी टिश्यू डैमेज हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऐसे मरीज जो कि घी, तेल या ऐसा चर्बी वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, यानी मिर्च मसाले वाला तला भुना खाना ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, उनके साथ में लीवर की खराबी होने की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। आप अगर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, डिब्बा बंद खाना ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी लीवर को डैमेज पहुँचता है, लीवर को नुकसान पहुँचता है, और उस वजह से आपके लीवर में कई सारी बीमारियाँ देखने को मिलती है। ऐसे मरीज जो कि लंबे समय से इंग्लिश मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, काफ़ी सारी मेडिकेशन लेते हैं, छोटी छोटी कंप्लेंट्स में दवाइयां खाते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी लीवर पे जोर पड़ता है और लीवर उसको मेटाबोलाइज करने में अपना पूरा जो है जोर लगा लेता है, उस वजह से लीवर पे डैमेज आता है। इस प्रकार की जो हैबिट्स है उसको आपको छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी कंप्लेंट्स के लिए जो है कैप्सूल्स या टैबलेट्स का उपयोग ना करना चाहिए, उसकी बजाय आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके भी उन डे टू डे प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। ऐसे मरीज जो कि शुगर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, या ऐसे लोग जो शुगर ज़्यादा लेते हैं, शक्कर बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें भी लीवर का डैमेज होना बहुत ही आम समस्या है। तो ये थे कुछ प्रोबेबल कॉजेज या एक संभावित कारण जिनकी वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जो कि लीवर को डैमेज पहुंचाते हैं, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसके एटमॉस्फेयर पे, उसकी डे टू डे लाइफ पे, उसकी लाइफस्टाइल पे, उसकी हैबिट्स पे, इन सब चीज़ों पे, इन सभी कारणों से लीवर का डैमेज होना स्वाभाविक है। तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती है। लीवर के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।